नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। किसी वजह से अगर ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक रहें, खुश रहें, खैरियत से रहें। सोलफुल मंडे इस प्रोग्राम में किसी ना किसी मैं स्पिरिचुअल लीडर से बातचीत करती हूँ, उनसे हम कुछ सीखते हैं, उनसे ज्ञान की बातें जो हमें मिलती हैं उनको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें तो अपने जीवन को हम सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। तो आज भी एक बार फिर से मेरे साथ हैं श्री तानाजी आचार्य जी, जिन्होंने बीएससी किया इन मैथमेटिक्स। ही इज अ शास्त्री एंड ही इज अ वैदिक फिलोसोफर, एमए एंड पीएचडी इन फिलोसफी। तो आइए आज एक बार फिर से उनका स्वागत करते हुए इस मैं बताऊं कि क्या टॉपिक है, क्यों ना उन्हीं से जाना जाए कि आज किस विषय में हमसे बात करना चाहेंगे, क्या हमें सिखाना चाहेंगे। ताना जी आपका मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। ये अच्छा है कि मुझे देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मेरा और आपका भी यही प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो, और आध्यात्मिकता में कोई भी मनुष्य इतना पूर्ण नहीं होता जिसको सभी आध्यात्मिकता का ज्ञान हो। पर ये आध्यात्मिकता का ज्ञान हम कहीं ना कहीं अपने वेदों से, शास्त्रों से, अपने महापुरुषों से, नीतिकारों से सीखते हैं, और वो ज्ञान इतना हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है कि उससे हम सबका जीवन आनंदमय बन सकता है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि वो ज्ञान हमारे ऋषियों का हम शेयर करें और वही हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो आज जो मेरा विचार है आज की, हम भूषण इस विषय को लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे। नीतिकारों ने भूषण के ऊपर, स्पेशली भर्तृहरि जी ने, चाणक्य ने और दूसरे भी अनेक नीतिकारों ने मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया है कि इस जीवन में क्या भूषण है, क्या श्रेष्ठ है, क्या जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो भूषण शब्द का अर्थ होता है अलंकार। अलंकार, अलंकार। और मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे और मेरे सभी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि भूषण क्या है, किसे कहते हैं भूषण। जैसे हम, क्या ये आभूषण और भूषण सेम चीज है? सेम चीज है। तो भूषण तो जनरल है, आभूषण कहते हैं अलंकार को। हम वैसे तो रोज कपड़े पहनते हैं, पर कोई विशेष कार्यक्रम हो तो आभूषण पहनते हैं, सोने के, चांदी के, गले में, नाक में, है ना, सब जगह हम अलंकार पहनते हैं। तो उस अलंकार को भी आभूषण कहते हैं, जिससे मनुष्य दर्शनीय लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, और उससे हम सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं, बेटर दिखना चाहते हैं, तो एक शोभा उससे हमारी बढ़ती है। तो ये सभी भूषण शब्द के ही अर्थ होते हैं, जिसके ऊपर हम गौरव कर सकते हैं, जिसपे मनुष्य को गौरव हो, स्वाभिमान हो, एक आनंद का और उत्साह की अनुभूति हो, और दूसरों के लिए जो मार्गदर्शक होता है उसी को हम भूषण कहते हैं। तो एक तो आभूषणों को प्रकार के होते, हाँ, तो एक तो होते ऐसे लौकिक अलंकार आभूषण, वो तो है ही है, बट चाणक्य महाराज ने भूषण को लेकर के बहुत कुछ कहा हुआ है, और भर्तृहरि जी ने भी कहा है, ऐसे बहुत लोगों ने यह हमारे लिए कहा है कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, या कैसे उस जीवन को हम अधिक इतना विकसित करें कि हम संसार में नंबर वन बने, द बेस्ट हर तरीके से। तो वो कौन सी बातें हैं जिससे वो चीजें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, होती है। तो जी, तो आर्य चाणक्य जी ने एक श्लोक बोला है कि गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। तो उन्होंने चार बातें गिनाई है वैसे तो, बट उसके साथ और भी बहुत सारी बातें हम उसमें जोड़ सकते हैं। राइट। जैसे पहली बात उन्होंने कही कि गुणो भूषयते रूपम, तो मनुष्य का जो रूप है, जो शोभा है, जो मनुष्य का अलंकार है मनुष्य जीवन का, वो है गुण। गुण, हाँ, वो सबसे बड़ा अलंकार है। हाँ, तो गुणों से मनुष्य की शोभा होती है।
ज्यादा जितने ज्यादा गुण होंगे उतनी उसके अधिक शोभा होगी, कम गुण हो गए तो कम शोभा होगी, पर जिसको भूषण बनना होता है तो उसको सबसे अधिक गुणों वाला होना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत गुणी होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे कहा ना कि गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, मनुष्य को पूजनीय बनने के लिए जो पूजा का स्थान है, जो पूजा का कारण है, ये मनुष्य के गुण है, न लिंग, न कोई स्त्री पुरुष होने से फर्क पड़ता है, न कोई छोटा बड़ा होने से फर्क पड़ता है, गुणों से फर्क पड़ता है। गुणों से मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठ होता है। फिर ये कहा हुआ एक और श्लोक में, क्योंकि मैं श्लोकों के माध्यम से आपको बहुत ब्रीफली समझाऊं तो बड़ा संक्षिप्त और अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये कहा है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनान शोभन्ते निरगंधा किंशुकायुव। मनुष्य के पास कितना भी रूप हो, यवन हो, और बड़े कुल का भी कोई व्यक्ति हो, सब कुछ भी होगा, पर मनुष्य का जो जो भूषण है जो वो है उसकी विद्या। विद्या से जो है, विद्या एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य की शोभा होती है। और उसमें गुण नहीं है तो ऐसे ही है जैसे पलाश का फूल, दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है परंतु सुगंध गुण न होने के कारण तो कोई उसको तोड़ के लेता नहीं है, उसको बहुत प्रेम नहीं करता है। तो पलाश का फूल भी हो और उसमें सुगंध भी हो, तो ऐसे ही मनुष्य भी हो, रूप यवन हो, अच्छा कुल हो, पर साथ में विद्या होगी तो वो जो है शोभायमान संसार में हो जाता है। तो विद्या के अलावा कौन कौन से और गुण होने चाहिए एक इंसान में? वैसे तो अभी गुणों में जो है जैसे तप है, ध्यान, तप है, ज्ञान है, कला है, और श्रद्धा है, बहुत सारे गुण, त्याग है ना, ऐसे फिर निरभिमानिता है, सरलता है, सज्जनता है, बहुत सारे, सत्याचरण है, बहुत सारे हम गुणों को काउंट कर सकते, सेवा भाव बड़ा अच्छा गुण है, तो बहुत सारे गुणों को हम काउंट करते हैं। तो इसीलिए कहा कि यदि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनना है, पूजनीय बनना है और अपने जीवन का पूर्ण विकास करना है तो पदम ही सर्वत्र गुणेर निधीयते, तो हम सभी को पद पाने के लिए गुणों का ही आदान करना चाहिए, गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और निर्गुण से हतम रूपम, और कोई कितना भी रूपवान हो और कोई गुण नहीं है तो उसका रूप भी नष्ट हो जाता है, उसके रूप को भी कोई महत्व नहीं दिया करता है, केवल रूपवान है पर गुण कोई नहीं है। तो इसलिए मृच्छकटिक में ये कहा हुआ है कि गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गुणों के प्राप्त करने में ही विशेष प्रयत्न करना चाहिए, इधर उधर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। गुणयुक्त मनुष्य हो, वो चाहे दरिद्र भी होगा ना तो उसकी शोभा होगी, पूजा होगी, और अदरवाइज कोई कितना भी बड़ा राजा भी हो, कोई स्वामी भी हो, कोई धन ऐश्वर्य से युक्त भी होगा, पर गुण नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा भूषण है, मनुष्य का जो असली रूप है वो गुण है, right. तो ऐसे कहते हैं। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा दूसरा जो है, चाणक्य ने कहा कि शीलम भूषयते कुलम। शील कहते हैं चरित्र को, आपका आचरण, आपका व्यवहार, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, लोगों से कैसे व्यवहार करते हो, तो वो चरित्र होता है मनुष्य का। एक तो होता है ज्ञान और एक होता है शील। तो ज्ञान के बाद जो हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं मनुष्य के जीवन के रूप में, कैरेक्टर कहते हैं ना, जैसे वो जो शील होता है वो प्रत्येक कुल का, कुल की वो विशेषता होती है। कुछ लोग जो है बहुत बड़े कुल में पैदा होते हैं और वो बड़े कुल में पैदा होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर उस कुल में भी कोई बहुत चरित्रवान हो जाए तो वो चरित्र जो है उस कुल के लिए भूषण होता है। यानी कुल तो पहले भी था, कुल तो बाद में भी था, और उस एक व्यक्ति का चरित्र इतना श्रेष्ठ होता है कि उससे कुल की शोभा हो जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पहले भी भोसले कुल था, पर शिवाजी महाराज के आने से भोसले कुल की शोभा बढ़ गई, मानो उन्होंने अपने कुल की कीर्ति कर दी, कुल को अमर कर दिया। सेम संभाजी महाराज के विषय में, उनके पुत्र, उन्होंने अपने नाम से अपने कुल का, सारे इतिहास में अपने कुल का नाम अजरामर कर दिया। ये उनका चरित्र था
इसीलिए कहा है कि शीलम परम भूषणम, मनुष्य के जीवन में और जो कुल होता है उस कुल के लिए, उस कुल का जो चरित्र होता है, एक तो होता है व्यक्ति का चरित्र, एक होता है पूरे कुल का चरित्र, उसके परिवार का, उसके पूरा पूरे बाप दादाओं से जो उनकी परंपरा इतिहास आ रहा है वो होता है चरित्र। अब जैसे मैं राष्ट्र के संबंध में कहूं तो चीन का एक अलग चरित्र है, अमेरिका का अलग है, भारत का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, तो सभी कंट्री का एक एक कैरेक्टर होता है, उसको नेशनल कैरेक्टर कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है और उससे मिलके एक नेशनल कैरेक्टर बनता है। तो वो जो कैरेक्टर होने से वो क्या होता है, उस देश की देश का भूषण हो जाता है उसको कैरेक्टर। जैसे जिस देश का कैरेक्टर चीटिंग का है, अश्रद्धा का है, अनट्रस्ट का है, तो उनसे लोग व्यापार नहीं करते। और कोई देश ऐसा होता है कि उसका चरित्र बड़ा अच्छा होता है, लोग कहते हैं हाँ भाई भारत से व्यापार करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाती है। अब जिस देश का भी चरित्र ठीक नहीं होगा, दुष्शील से हतम कुलम, तो कहता है जिस देश के लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना, तो कहते हैं कि उस देश का कुल जो परंपरा जो संस्कृति है वो बिल्कुल जो है नष्ट हो जाती है, उसको भी कोई उन्नति प्रगति नहीं हुआ करती, नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में कहा है कि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, चरित्र। सो इस तरह इस तरह हर एक चीज में भूषण होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा रूप का भूषण जो है वो गुण है, और कुल का भूषण जो है, परिवार का भूषण जो है वो चरित्र है, चाहे वो परिवार अपना पर्सनल परिवार हो या फिर किसी देश का कुल का हो। तो उसके लिए, और ऐसे जैसे अगर कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, विद्या है उसके पास, लेकिन उस विद्या में क्या भूषण होना चाहिए, किस तरह से उसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो क्या उसका विद्या का भूषण क्या है। उसके पहले थोड़ा एक बात और बता दूं मैं आपको। जैसे भगवान राम थे, उनका चरित्र इतना ऊंचा था कि भगवान राम के कारण वो चरित्र अजरामर हो गया, चरित्र से हो गया राम का चरित्र। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि प्रज्ञा करुणा और शील, पहले तो ज्ञान होना चाहिए उस किसी के व्यक्तित्व में, फिर करुणा होनी चाहिए, फिर उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। तो ऐसा जो प्रज्ञा करुणा शील वाला व्यक्ति होता है तो वो खुद भी अपने जीवन के लिए भूषण होता है और कुल के लिए भी भूषण होता है। तो ऐसा कुल शीलम भूषयति कुलम में चाणक्य महाराज ने कहा। तीसरी बात जो अपने विद्या की बोली, सिद्धि भूषयते विद्याम। विद्या के विषय में हल्का सा बता दूं कि विदलरी जाने जो जो उससे विद्या शब्द बनता है, अर्थात जिसके पास ज्ञान है, अनुभव है, यू नो, जिसके पास कोई प्रकार का एक 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 विद्वत्ता होती है ना, उसको क्या कहते हैं, विद्या कहते हैं उसको, यानी सच सत्य ज्ञान को विद्या कहते हैं। और विद्या से ही विद्वान बना है, तो कहते हैं कि विद्या जिस व्यक्ति के पास में है तो वो विद्वान होता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसे विद्वान सर्वत्र पूजा होती है। तो इस भाग में ये कहा उन्होंने कि विद्या भी, विद्या उसी को कहते हैं जिससे सिद्धि हो। एक विद्या थी, एक ज्ञान थी, उसको लिया, उसको उसका अनुभव किया, उसके अनुसार व्यवहार किया और सफलता मिल गई। जैसे जैसे सफलता इस भूषण, हाँ, किसी को सांप ने काटा और किसी ने आपको एक औषध दे दिया, वनस्पति दे दी, और आपका वो विष, सांप का विष उतर गया, तो क्या हुआ, उस विष की महिमा बढ़ गई, उस ज्ञान की, उस औषधि की महत्ता, उसका भूषण ये है कि उसे उस सांप का विष उतर गया। कोई व्यक्ति संकट में, दुख में है और उसको किसी ने कोई ज्ञान दे दिया, विद्या दे दी, तो उसका क्या हुआ, उसका दुख दूर हो गया, उसको आनंद मिल गया। तो सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसी को कहते हैं कि जिससे मनुष्य दुखों से छूट जाए। कई बार लोग ऐसे ही बातें कहते रहते हैं और फॉलो करो तो वो दुख दूर नहीं होते। तो ऐसे विद्या का फायदा नहीं है, विद्या वही है जिससे दुख दूर हो जाए और हमको मोक्ष मिले। और विद्या के बड़े गुण है बेसिकली, वो सब जगह पे हमको सफलता देती है। तो जैसे कहते ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या होगी तो मनुष्य में विनय आएगा, विनय आदि आती पात्रता, विनय से मनुष्य में पात्रता आती है, योग्यता आती है,
पात्रत्वा धनम आपनोति, पात्रत्वा से मनुष्य में धन आता है, धना धर्मम, तो मनुष्य धन से धर्म की प्राप्ति करता है और धर्म से जो है सुख की प्राप्ति करता है। तो देखिए ना, एक विद्या से सब कुछ सुख की प्राप्ति हो गई, तो वो विद्या जो अंत में हमको सुख दे दे, हमें मोक्ष दे दे, आनंद दे दे, वही विद्या जो है विद्या कहलाती है। तो हर एक विद्या विद्या नहीं होती है, विद्या वही है जिससे हमें मोक्ष मिले, हमारे काम की सफलता हो। जैसे वैशेषिक में कणाद महाराज ने कहा हुआ है कि ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि ही सधर्म, उन्हें धर्म के रूप में कहा है, वो जो ज्ञान, जो विद्या, जो विधि जिससे मनुष्य का लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन में सफलता मिले, सिद्धि हो, आनंद मिले, तो ऐसी जो विद्या होती है जो इस लोक को भी और परलोक को भी जो है हमारे सफल बनाए और हमें सुख प्रदान करे, तो उसी को हम विद्या कहते हैं। और दूसरा भी एक और श्लोक भरते महाराज ने कहा है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, मनुष्य का विद्या जो है मनुष्य का एक अधिक प्रकृष्ट रूप है, शोभा है, अलंकार है। और विद्या क्या है, प्रचन्न गुप्तम धनम है, मनुष्य के बुद्धि में, मनुष्य के जीवन में एक छुपा हुआ सीक्रेट धन होती है विद्या। विद्या होती है तो जैसे धन मिलता है, धन से सुख मिलता है, तो विद्या भोग करी, विद्वान है तो सर्टनली धन भी कमाएगा, उसमें योग्यता है, पात्रता है, सुख भी मिलेगा। और विद्या ही है जो सुखकारी होती है, क्योंकि धर्म की प्राप्ति पर सुख मिलेगा। और विद्या गुरु नाम गुरु, जो गुरु कहलाते हैं उनका भी जो गुरुपन है उनके विद्या में है, क्योंकि वो जो भी बताते हैं हमको, गाइडेंस देते हैं, तो उससे हमारे जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। और विद्या से सम्मान हमारे बंधुजनों में भी मिलता है, घर परिवार में भी विद्वान हमारा कोई मेंबर हो तो विद्या बंधुजने, और विद्या विदेश गमने, अपने घर परिवार में भी, गांव में भी और विदेशों में भी विद्वान व्यक्ति जाएगा तो वो यश को पाएगा और अपने 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 जीवन को सफल बना लेगा। इसलिए विद्या कोई सादी बात नहीं, विद्या परा देवता, सबसे श्रेष्ठ देवता कोई जीवन में है तो जो है वो विद्या होती है। बाकी सभी चीजें तो अपने देश में पूजा होती है, परंतु विद्या, विद्या जो है पूर्ण संसार में मनुष्य की पूजा होती है। जैसे कहते हैं ना कि विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा भी हुआ तो क्या हुआ, अपने देश में पूजा उनकी होगी देश में, परंतु विद्वान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने विद्या से संपूर्ण संसार में उसकी अपनी पूजा होती है। इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, मनुष्य के लिए जीवन में विद्या धन जो है वो बहुत बड़ी बात है, और विद्या से ही मनुष्य की शोभा होती है, और विद्या वो है जिससे उसके जीवन में सभी कामों की सिद्धि हो, सफलता हो, सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो सभी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। और इट्स नेवर टू लेट, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए, तो इट्स नेवर टू लेट दीस डेज। तो आप कहीं भी ऑनलाइन भी पढ़ना चाहें तो पढ़िए, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, ताना जी से ही सुनते रहें तो ये भी विद्या ही हमें प्राप्त हो रही है। और हम अपने जीवन को, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ ताना जी कि इतने गुणी है, इतना ज्ञान है इन्हें, और उनकी बातों को हम अपने जीवन में एक अंश भी अपने धार लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो दैट इज सफलता, यही सफलता, जो सफलता दे दे वो विद्या होती है, और वो विद्वान कहलाता है जो वो विद्या दे जिसे सफलता मिले। और उसका जो आधार है, जो सोर्स है हमारे लिए सो फार, वो वेद है, वेद भी उसी धातु से बना हुआ है, तो वेद का ज्ञान जिसके पास है उसको कहते हैं विद्वान, वही विद्या है, तो उससे जो है हमारा संपूर्ण जीवन सुखी बन सकता है। और चौथी बात बोली कि भोगो भूषयते धन, भोग धन तो ऐश्वर्य को कहते हैं, संपत्ति को कहते हैं, तो लोगों के पास धन तो होता है पर उसका वो भोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। सच देखो तो ये मनुष्य का जीवन, ये संसार मिला है मनुष्य के लिए भोग के लिए, भोग तो करना ही चाहिए उसमें। और दर्शनों में ये कहा हुआ है कि भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम, ये जो संसार, ये मानव का जीवन मिला है, इसका दो ही पर्पज है, एक भोग करने का, संसार का भोग करो और उससे मनुष्य अपवर्ग को पाए। इन्हें जो व्यक्ति गरीब है, दरिद्री है, उसको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा, अपवर्ग नहीं मिलेगा।
जिसको इतना ऐश्वर्य मिले कि वो सारे अपने भोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। तो जब मनुष्य में तृप्ति आ जाए, इन्हें सभी भोगों को भोगने के बाद में नेचुरली मनुष्य में एक तृप्ति का भाव आता है, तो तभी जो मनुष्य का अपवर्ग मिलता है। तो इसलिए धन केवल इकट्ठा करके रखने से फायदा नहीं है। कुछ लोग होते हैं कंजूस मक्खी चूस, धन तो बहुत होता है पर एक चाय के लिए दो पैसे खर्च नहीं करेंगे, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे, घर भी छोटा मोटा ही रखेंगे, सब कुछ होता है पर दरिद्र स्वभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है उस धन का कोई लाभ नहीं है। धन भी हो तो थोड़ा सा उसका उसका उपयोग भी करो। तो भर्तृहरि महाराज ने कहा हुआ है, धन भी है तो उस धन के तीन गतियां होती है, दानम भोगो नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य। आपके पास धन है तो या तो भोग करो, खुद अपने काम के लिए यूज करो, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करो, मनोकामनाओं की पूर्ति करो, अपने परिवार को चलाओ, ब्रेड एंड बटर चलाओ, क्वालिटी जीवन जीवो, और भोग करके थोड़ा सा बचा करके हो सका तो थोड़ा दान भी दे देने का, तो किसी के काम आ जाएगा। और जो व्यक्ति भोग भी नहीं करते, खुद अपने लिए भी खर्च नहीं करते और किसी को देकर किसी की आवश्यकताओं को पूर्ति भी नहीं करते, तो उनके धन की अवस्था क्या है, तीसरी गति क्या है, नाश। कई लोग जिंदगी भर पैसे कमा कमा के गलत करके पापों से पैसे कमाते हैं, ना तो खुद पे खर्च करते हैं ना किसी को दान देके जाते हैं, आंखें बंद होते ही वो धन जो है नष्ट हो जाता है उसके किसी का। तो इसलिए धन बड़ा ये है, पहले तो उसको धन कमाना कितना मुश्किल है, फिर कमाया हुआ धन जो है संभाले रखना कोई कम मुश्किल है क्या, वो उससे भी मुश्किल काम है। कहा ना कि उपार्जिता नाम वित्ता नाम जो है त्याग ये वही रक्षणम, तो वैसे रखना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए धन की रक्षा करना होना तो त्याग एव ही रक्षणम, जो धन आप उपभोग करो और बाकी किसी को दान देंगे ना, तो दिया हुआ जो त्यागा हुआ जो धन होता है ना, वो आपका धन संचित है, वो सुरक्षित है आपका, जन्म जन्मांतरों में कहीं ना कहीं वो दान पुण्य किया हुआ आपके काम आएगा। इसलिए त्याग ही धन को धन की रक्षा करने का सही साधन है। बैंकों में रखना, ये करना, वो करना किसी काम का नहीं है। संसार से जाने के पहले थोड़ा बहुत दान पुण्य करके चले जाओ तो ये जो रखा हुआ है वो धन आपके साथ में चला जाएगा। बहुत क्विकली एक बात बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि ये इतना सारा धन दौलत जो मेरे पास में है तो मैं तो साथ में ले जाना चाहता हूँ। तो कहा उनको, भाई ये तो नहीं ले जा सकता, तो वो क्या करे, तो बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि साथ में ले जाना चाहते हो ना, ये तो गौर गरीब और जो नीडी लोग हैं उनको ये दान देके चले जाओ, इसको कन्वर्ट करो उस करेंसी में जो आपके साथ में चली जाए। ये पाउंड, ये रुपया, ये सोना चांदी, तो ये करेंसी वो नहीं है जो आपके साथ जाएगी, अगले जन्म में काम आएगी, कुछ नहीं जाने। हाँ, इसलिए इसका दान पुण्य करके चले जाओ, तो वो दान पुण्य के त्याग की जो करेंसी है उसके साथ आपके सारा घर दार सब कुछ साथ में ले जा सकते हो। तो उसके समझ में आ गया, उसने सब कुछ त्याग करके उसको सुरक्षित किया। पहले तो भोग भोगा अपने जीवन के लिए, फिर त्याग किया, सारी संपत्ति अपने साथ में ले गया। तो इसलिए भोगो भूषयेति धनम, ऐसा उसमें वो कहा हुआ है। राइट, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं हमें कि रूप का भूषण क्या है, गुण होना अच्छा अच्छी बात है, एंड कुल का भूषण है चरित्र, विद्या का आभूषण है या भूषण है सफलता, और धन का है भोग। अगर धन है तो उसे इस्तेमाल कीजिए कल के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत रेनी डेज के लिए बचा कर रखें, लेकिन कंजूस ना बने, उसे इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ वाणी का भूषण भी होता है कि वाणी का भूषण सत्य बोलने, ये भी आपने टच किया। एंड हमारे पास 2 मिनट और हैं, अगर ताना जी आप कुछ और बताना चाहते हैं हमें। तो भूषण जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक मनुष्य को देखिएगा, संसार में इम्पोर्टेंट होना अच्छा लगता है, बड़ा होना अच्छा लगता है, फेमस होना अच्छा लगता है, दुनिया में सबसे आगे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो जाना तो बहुत अच्छा है, परंतु जाओगे कैसे, इसका विचार हमको करना चाहिए। और इसके लिए मैं अंत में यही कहूंगा कि आपको शास्त्र पढ़ने की भी बहुत जरूरत नहीं है। अपने दाएं बाएं ऐसे लोग हैं जिनमें गुणों का संचय भरा पड़ा हुआ है, इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, तो उन व्यक्ति के महापुरुषों के चरित्रों को अपने जीवन में फॉलो। कहते ना, ये न महाजनो गता स पंथा,
यदि आपको अपने भगवान राम की तरह होना है, भगवान कृष्ण की तरह होना है, अरे चाणक्य की तरह होना है, जिस किसी की तरह के होना है ना, तो उन्होंने जो किया उनके चरित्र का अनुकरण करो, तो आप भी उनकी तरह संसार में शोभायमान हो जाओगे, भूषित हो जाओगे, जाओगे इतिहास में आपका नाम आएगा। इतिहास पढ़ने से कोई बहुत आगे नहीं जाता, हमको इतिहास की रचना करनी पड़ेगी, शुभ कार्य करना पड़ेगा, गुणों का संचय करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए महापुरुषों से, जीवनों से सीखो जिनका जीवन संसार के लिए भूषण है। जैसे भारत रत्न होता है ना, भारत भूषण होता है ना, तो उन लोगों ने जो काम किए अभी वैसे काम करोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, बन सकते। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। इसमें से कुछ भी आप याद रख सके, बार बार देखें इस प्रोग्राम को, आपको याद हो भी जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। ये थे तानाजी आचार्य जी, जिन्होंने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और पिछले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने बहुत से टॉपिक्स को छेड़ा और उनके बारे में हमें जानकारी तानाजी के द्वारा मिली। अगर वो प्रोग्राम आप मिस कर चुके हैं तो मेरे YouTube चैनल पर सरिता सबरवाल, जहां ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं या Facebook पर देख रहे हैं, तो आप उन प्रोग्रामों को देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो थम्स अप कर दें और लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने आज ही सब्सक्राइब करना है तो प्लीज नोटिफिकेशन की वो जो बेल होती है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी नई चीज मैं पोस्ट करूं तो उसे आप देख पाए। जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूंगी, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। मैं आपसे विदा लेती हूँ, हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिए, ये प्रोग्राम भी देखते रहिए, और हम धूम रेडियो के जरिए भी आपके घर तक पहुंचते हैं, तो धूमरेडियो.com आप ऑनलाइन सुन सकते हैं या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के जरिए आप हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपनी कार्स में भी सुन सकते हैं। मैं सरिता अब विदा लेती हूँ, अगली बार फिर एक अच्छे से प्रोग्राम के साथ सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।